गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम केस स्टडीज के क्वेश्चन करेंगे 10th साइंस के। देखिए, पहली जो केस स्टडी है इसमें पहले तो आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी फोर क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। सही, आपको किन्हीं चार के जो आंसर देने, मगर हम पांचों के आंसर ही डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पैराग्राफ आपको यहाँ पे या तो कोई पैराग्राफ दिया होगा, या कोई डेफिनेशन दी होगी, या कोई स्टेटमेंट दिया होगा, और फिर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पैराग्राफ दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। इसमें उन्होंने कहा ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। इस लाइन में कहते हैं जितने भी लिविंग सेल्स होती हैं उन सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट वो कहते हैं दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट आइदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अब देखिए, ये जो एनर्जी उनको चाहिए होती है उसके लिए वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं। उसमें वो ऑक्सीजन का यूज कर भी सकते हैं और ऑक्सीजन का यूज नहीं भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपका पैराग्राफ इन्होंने दे रखा है। अब इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब उनका हम आंसर जो है डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आइदर इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी, एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाई। देखिए, इसमें उन्होंने कहा है जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसमें जो एनर्जी ऑब्टेन होती है वो इनमें से किस प्रोसेस के जरिए होती है, ब्रीदिंग के जरिए होती है, टिश्यू रेस्पिरेशन के कारण होती है, ऑर्गन रेस्पिरेशन के कारण होती है, या डाइजेशन ऑफ फूड के कारण होती है। तो यहाँ पर आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों, टिश्यू रेस्पिरेशन के कारण ये होती है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसेंट्रेशन ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग अ रेस ऑफ 400 मीटर एंड शोज अ पीक एट द डी। देखिए, इसमें उन्होंने कहा है नीचे जो आपको ग्राफ दिया हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ब्लड के अंदर जो लैक्टिक एसिड की कंसेंट्रेशन है किसके, एथलीट की, ड्यूरिंग अ रेस ऑफ 400 मीटर। सही है, और ये जो लैक्टिक एसिड है ये डी पॉइंट पर क्या करता है, पीक करता है, मतलब डी पॉइंट पर सबसे ज्यादा लैक्टिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट उन्होंने कहा है रेस्पिरेशन इन एथलेटिक्स द ब्लड ऑफ एन एथलीट वॉज टेस्टेड बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर 400 मीटर रेस। देखिए यहां पे इन्होंने कहा है एक एथलीट है उसके अंदर हमने क्या किया, ब्लड के अंदर जितना लैक्टिक एसिड है उसको हमने क्या किया है, मेजर किया है। सही, बिफोर द रेस, ड्यूरिंग द रेस एंड आफ्टर द रेस ऑफ 400 मीटर। क्लियर, ये आपको बच्चों यहां पर इन्होंने दे रखा है ग्राफ। ए पर सबसे कम है, बी पर ए के मुकाबले ज्यादा है, बी और सी में लगभग सेम है, डी पर मैक्सिमम है, और ई के बाद फिर थोड़ा कम होता चला जा रहा है। तो ए से बी तो पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर बी से सी लगभग कॉन्स्टेंट है, फिर सी से डी इंक्रीज हो रहा है, फिर डी से ई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए इन्होंने कहा लैक्टिक प्रोडक्शन हैज अकर्ड इन द एथलीट वाइल रनिंग इन 400 मीटर रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सप्लेन दिस इवेंट। देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो इस इवेंट को एक्सप्लेन करता है। देखिए लैक्टिक एसिड बनता कब है, ये बनता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, जब ऑक्सीजन का सफिशियंट अमाउंट जो है रेस्पिरेशन के लिए बॉडी को नहीं मिल पाता है। अब देखिए थर्ड है, इन्होंने कहा द स्टडी द ग्राफ बिलो डेट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम
वाइल एन एथलीट इज रनिंग एट फुल स्पीड। यहाँ पर आपको ग्राफ दे रखा है और ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, सही, जितनी एनर्जी उसको सप्लाई हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट, जब एथलीट जो है फुल स्पीड से भाग रहा है। क्लियर है, यहां पे टाइम दे रखा है जिस टाइम के अंदर वो फुल स्पीड से भाग रहा है, और ये एक्सिस दे रखा है, ये दे रखा है कितनी परसेंट उसको एनर्जी की हो रही है, सप्लाई हो रही है। तो यहां पे देखिए, पहले तो पहला जो ग्राफ आपको दे रखा है उसमें पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, लगभग कांस्टेंट हो रहा है एनर्जी सप्लाई विद टाइम। अच्छा, बी में देखिए, पहले एकदम से बढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ और फिर कम होता चला जा रहा है, सही। अब देखिए, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स एंड जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है प्लॉट ए में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है और बी में एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, सही, और इसका जस्टिफिकेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड हाई इन एनएरोबिक। देखिए, इसमें इन्होंने कहा है ये जो ए का ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन को, और बी का जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। अच्छा, और यहाँ पर जस्टिफिकेशन वो क्या दे रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट इन एरोबिक। एरोबिक के केस में जो एनर्जी सप्लाई होती है वो लो होती है और एनएरोबिक में हाई होती है। बच्चों, ऐसा नहीं होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी सप्लाई होती है वो मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है, और एनएरोबिक में कम होती है। तो इसका मतलब ये जो है पहला स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है, देखिए ये जो ए है इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ज्यादा एनर्जी क्या हो रही है, उसको सप्लाई हो रही है। क्लियर है, और यहां पर आके ये लगभग कांस्टेंट हो गया है, मतलब एनर्जी की जो सप्लाई है वो क्या है, फिक्स हो गई है, 100% से तो ज्यादा हो नहीं सकता ना। क्लियर है, यहां पे देखिए एकदम से एनर्जी की सप्लाई बढ़ती है और फिर एनर्जी की सप्लाई क्या होती है, कम होती है। तो ये तो पक्का है कि जो प्लॉट ए है ये एरोबिक रेस्पिरेशन को शो करता है, क्यों, इसमें ज़्यादा एनर्जी जो हो रही है सप्लाई हो रही है। क्लियर है, और प्लॉट बी जो है इसमें जो एनर्जी सप्लाई हो रही है पहले तो सही हो रही है बच्चों, मगर धीरे धीरे बाद में कम हो रही है, कम कब हो रही होगी, जब एनर्जिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे प्लॉट बी जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को क्या करता है, शो करता है। एरोबिक में अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो मैक्सिमम होती है, वो ज़्यादा होती है, और एनएरोबिक में कम होती है। क्लियर है, अब देखिए, अब हम आते हैं बी पर। बी में ए को एरोबिक कह रहे हैं, बी को एनएरोबिक कह रहे हैं, तो सही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एरोबिक, ये सही है बच्चों, ये दूसरा जो है ऑप्शन ये करेक्ट है। क्लियर, एक बार ग्राफ दोबारा समझ लीजिए। देखिए, इसमें उन्होंने कहा है आपको पहला ग्राफ ए ये दे रखा है जिसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही, यहां पर एनर्जी की सप्लाई जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रही है और फिर 100% के बाद वो कांस्टेंट हो गई। क्लियर है, तो इसका मतलब ये एरोबिक रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है, इसलिए इसमें एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा रिलीज होती है। अच्छा, दूसरा ग्राफ देखिए, इनिशियली तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे एथलीट भागते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर क्या होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होनी चालू हो जाती है। स्टार्टिंग में तो एरोबिक ही होगी, एरोबिक के कारण उसको एनर्जी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, मगर जैसे ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ उसकी जो एनर्जी की सप्लाई है वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी ज़्यादा सप्लाई होती है, एनएरोबिक के केस में एनर्जी की सप्लाई क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द करेक्टरिस्टिक्स प्रोसेसेस ऑब्जर्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन. देखिए आपको बताना एन एरोबिक रेस्पिरेशन में इनमें से कौन कौन सी इवेंट होती है. पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नहीं जी, ऑक्सीजन तो होती नहीं है. एन एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, सही है, या लैक ऑफ ऑक्सीजन का जो केस होता है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. क्लियर है. सेकंड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सही है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. रिलीज ऑफ एनर्जी, हाँ जी एनर्जी भी रिलीज होती है, वो अलग बात है, वो कम क्वांटिटी में होती है. रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, हाँ लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है. क्लियर है. तो इसमें सेकेंड थर्ड फोर्थ सी ऑप्शन सही है. सेकेंड थर्ड फोर्थ ये चारों तीनों की तीनों जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की. क्लियर है. अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें उन्होंने कहा स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो डेट हैज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन. अब देखिए ये आपको टेबल दे रखी है और आपको ये बताना है इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है. सही, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में वो कहते हैं कि इसकी जो लोकेशन होती है वो साइटोप्लाज्म होती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जो लोकेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है. सही है. अच्छा एंड प्रोडक्ट जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो होता है CO2 एंड वाटर, और एरोबिक का क्या होता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अमाउंट ऑफ ATP एरोबिक में हाई होती है और एनएरोबिक में लो होती है, और ऑक्सीजन इसमें चाहिए होती है और इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है. क्लियर है. देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, एक जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है. वो दोनों ही हम क्या करते हैं एनएरोबिक के अंदर लेकर चलते हैं. क्लियर है. तो इसमें बच्चों ए जो ऑप्शन है ये क्या है, गलत है. ए ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चों, गलत है. अब देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इसमें देखिए बच्चों ये तीनों सही हैं, बी सी और डी जो है वो सही है. क्लियर है. ए जो है लोकेशन इन्होंने गलत दे रखी है. अच्छा इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, बेशक आप लिख लीजिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, सही, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये भी किस में होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है. सही, ये आप लिख लीजिएगा. अब देखिए अब हम आते हैं केस स्टडी नंबर टू पर. इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा रीड द फॉलोइंग एन आंसर एनी फोर. आपको चार किन्हीं चार क्वेश्चंस के आंसर जो है यहाँ पर देने हैं, मगर हम क्या करेंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे. यहाँ पर देखिए आपको इसका टॉपिक का नाम दे रखा है मेटेलिक कैरेक्टर. तो अब देखिए मेटेलिक कैरेक्टर की डेफिनेशन इन्होंने सबसे पहले हमें दी हुई है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर. तो देखिए मेटेलिक कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, ये एबिलिटी होती है किसी भी एलिमेंट के एटम की टू डिनोट इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. क्लियर है. अच्छा आगे इसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी बोलते हैं. अब देखिए डाउन द ग्रुप, जब भी हम ग्राउंड ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. अब देखिए किसी भी ग्रुप में अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, जो एटम होता है उसका साइज क्या होता है, अनस्टेबल होना चालू हो जाता है. एज ए रिजल्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वो बढ़ जाती है.
क्यों? जितना बड़ा साइज होगा एटम का, तो उसकी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा दूर चला जाएगा। तो उस केस में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किससे? न्यूक्लियस से, वो कम होती चली जाती है। एज ए रिजल्ट उसके छोड़कर, एटम को छोड़ के जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, आप देखिए, अगर आप पीरियड में देखते हो, पीरियड में हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोवेट पॉजिटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वहाँ पर क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। क्लियर है? देखिए, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो किसी पीरियड में, तो धीरे धीरे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन बढ़ने के कारण होता क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से होगा क्या, जो एटम का साइज होता है वो छोटा होता चला जाता है। जितना एटम का साइज छोटा होता है उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है, उतना उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है। जितना एटम का साइज स्टेबल होगा, सही, उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, और जितना अनस्टेबल होगा उतना उसके इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अब आते हैं बच्चों हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? उल्टा होता है किसका? मेटेलिक कैरेक्टर का। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। ये क्या होती है? किसी भी एलिमेंट के एटम की एबिलिटी होती है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। क्लियर है? इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। द एलिमेंट्स हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हैव अ हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्लियर है? तो पहले तो आप ये ध्यान कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किस तरीके से ग्रुप में डाउन द ग्रुप बिहेव करती है और किस तरीके से लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या करती हैं, बिहेव करती हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, सही, तो इनकी आपको एटॉमिक नंबर, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है इन्होंने, इसका एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज जो है वो आपको दे रखा है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, लिथियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है, रूबीडियम दे रखा है और सीजियम दे रखा है। यहाँ पर बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? ये आपको इन्होंने क्या दे रखा है बच्चों? एटॉमिक रेडियस, मतलब एटॉमिक साइज आपको दे रखा है। सही, फ्लोरीन का 72, सही, क्लोरीन का 99, ब्रोमाइन का 114 और आयोडीन का 133, लिथियम का 152, ये पिकोमीटर में है, सही, सोडियम का 186 और पोटेशियम का 231, रूबीडियम का 244 और सीजियम का 262। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो दे रखे हैं ये 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसमें भी आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं, ऊपर लिथियम आता है, फिर सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम और सीजियम, और 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? आई बात समझ? अब देखिए, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, यहां पर आपको एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर दे रखा है और यहां पर क्या दे रखा है आपको? एटॉमिक रेडियाई दे रखा है। क्लियर है? डाउन द ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप
एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज भी जो है वो बढ़ रहा है। क्लियर है? अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर एल्कली मेटल प्लॉटेड इन द ग्राफ। देखिए, इसमें जो पहला ग्रुप होता है ये वाला, ये एल्कली मेटल ग्रुप होता है, सही। आपको इनका क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, किसका, डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर का, डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर का, सही। तो देखिए, डाउन द ग्रुप आपको याद होगा, डाउन द ग्रुप एक बार पढ़ लीजिएगा ऊपर जो आपको पैराग्राफ दिया होता। जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम का साइज जो होता है वो बढ़ता है, उस कारण वो अनस्टेबल हो जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन टू लूज, सॉरी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बढ़ती है। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, सही। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सीजियम सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा, उससे कम रूबीडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम सोडियम और उससे कम लिथियम। तो अब देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको यहां पर गिवन है, हम ये देख लेते हैं, सही। सीजियम सबसे ज्यादा, उससे कम रूबीडियम, फिर लिथियम, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम। ये बच्चों फर्स्ट जो है इसका। अच्छा, इसमें बच्चों गड़बड़ ये है कि ये लिथियम सबसे आखिरी में आना चाहिए था, सही। लिथियम सबसे आखिरी में आना चाहिए था और पोटेशियम यहाँ आना चाहिए था, तो ये तो गड़बड़ है। ये सही है बच्चों, सी पार्ट जो है सही है। सबसे ज़्यादा सीजियम, उससे कम रूबीडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम लिथियम, सही। डाउन द ग्रुप जो होता है मेटेलिक करेक्टर हमेशा इंक्रीज होता है। अच्छा, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग द एल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो इट शोज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सही है? अच्छा, आप देखिए, इन्होंने रीजन पूछा है कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है, सही, उसे हम हाइड्रोजन को क्यों रखते हैं, जबकि पहला ग्रुप जो होता है वो एल्कली मेटल ग्रुप होता है, सही। उसका रीजन आपको क्या करना है, बताना है। क्लियर है? अब देखिए, ऐसा होता है, इनके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, तो जो सबसे बढ़िया ऑप्शन हमें लगेगा हम उसी को क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला, एज हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन एंड रीडली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। देखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, ये बात तो इनकी सही है। अब वो कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर नेगेटिव आयन बनाता है। जब भी कोई एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन बनता है, ना कि नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट इनकी गलत है। अब हम चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर। दूसरी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि एज हाइड्रोजन कैन इजिली लूज वन इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन्स। हाँ जी, देखिए, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उन सब की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर पॉजिटिव आयन्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। तो अब तक तो हमें बी जो है वो सही लग रहा है। अब हम आते हैं सी पर। एज हाइड्रोजन कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन ईजली लाइक हैलोजन टू फॉर्म नेगेटिव आयन्स। देखिए, स्टेटमेंट तो सही है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और ऐसे रिजल्ट वो अपने ऊपर क्या करेगा, नेगेटिव आयन बना लेगा, सही। मगर ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, हैलोजन्स की होती है, किसकी, 17th ग्रुप की, सही। तो इस कारण हम इसको एल्कली मेटल के अंदर नहीं प्लेस कर सकते, तो ये भी गलत है। स्टेटमेंट सही है मगर ये हाइड्रोजन को एल्कली मेटल ग्रुप में डालने का रीजन नहीं है। अब देखिए, इसके बाद आता है डी। एज हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। अब देखिए, इन्होंने कहा हाइड्रोजन जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है नॉन मेटल्स की, सही बात है, वो नॉन मेटल ही होता है तो उन्हीं की प्रॉपर्टीज वो क्या करेगा, शो करेगा। मगर इस बेसिस से आप इसको मेटल्स के अंदर प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है बच्चों, बी। तो बी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। हाइड्रोजन की आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर
पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं एल्कली मेटल के अंदर डालते हैं। अब देखिए आगे ना कहें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सही, मैं एलिमेंट्स लिख लेता हूं, आप भी लिख लीजिए। एक है फ्लोरीन, एक है क्लोरीन, एक है ब्रोमीन और एक है आयोडीन। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, हेलोजन है, 17th ग्रुप में। ये 17th ग्रुप के क्या है एलिमेंट्स आपको गिवन है। तो हम टेबल पर चलते हैं, देखिए 17th ग्रुप में क्या होता है। अच्छा, जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। सही, तो 17th ग्रुप में सबसे ऊपर जो एलिमेंट होता है वो होता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब जो सबसे ऊपर होगा एलिमेंट वो सबसे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फ्लोरीन जो होगा वो इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हेलोजन डाउन द ग्रुप। देखिए जितने भी हेलोजन्स, हेलोजन ग्रुप जो होता है उसमें जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सही, उसका आपको रीजन बताना है। पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज नहीं होती है डाउन द ग्रुप, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये तो सही है, ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखिए डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती है ना कि कम होती है, तो इसका ये आधा आखिरी वाला पार्ट है वो गलत है। अब देखिए नेक्स्ट है सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। हाँ जी, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, सही है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, उस कारण एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। एटॉमिक रेडियाई बढ़ने के कारण एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी वो कम होती है और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम फिफ्थ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन करेक्टली जस्टिफाइज डेट फ्लोरीन हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन लिथियम। देखिए ऐसा है, आपको जो है फ्लोरीन और लिथियम में जो है कंपैरिजन करना है, फ्लोरीन और लिथियम के अंदर आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। सही है, तो देखिए ये दोनों एक ग्रुप में तो नहीं होते हैं, मगर जब आप गौर से देखेंगे टेबल को तो ये सेकंड पीरियड में होती है, जो दोनों कहाँ होते हैं, सेकंड पीरियड में होती है। सही, देखिए फ्लोरीन और लिथियम ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेकंड पीरियड में होते हैं। किस में होते हैं बच्चों, सेकंड पीरियड में, पहले ये आता है और एंड में ये आता है। सही, तो जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये लेफ्ट में बढ़ता है और ये राइट में बढ़ता है। सही, किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, उस कारण क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है, एटम का साइज छोटा हो जाता है। क्लियर है, तो इसीलिए लिथियम का साइज जो होता है एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होता है और फ्लोरीन का कम होता है। अब देखिए इसके रीजन इन्होंने क्या क्या दिए हैं, पहला रीजन ये कहते हैं फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम ग्रुप, ये तो बच्चों स्टेटमेंट गलत है, क्यों, ये दोनों एक ग्रुप में नहीं होते हैं। दूसरा, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड, दोनों सेम पीरियड में होते हैं, हाँ जी, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, नहीं, जब भी आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स कभी भी इंक्रीज नहीं होती है। नेक्स्ट,
फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम ग्रुप, दोनों सेम ग्रुप में होते हैं? नहीं जी, सेम ग्रुप में तो होते ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको यहीं पे हम काट देंगे। नेक्स्ट, फ्लोरीन एंड लिथियम इन द सेम पीरियड, दोनों सेम पीरियड में होते हैं, सही है। एंड अक्रॉस द पीरियड, फ्लोरीन और लिथियम जो होते हैं सेम पीरियड में होते हैं, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज और रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये बच्चों सही है, डी पार्ट इसका सही है। अब देखिए, बच्चों इसके बाद ये लेंस से रिलेटेड जो है आपको एक केस स्टडी दे रखी है, तो अब देखें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। ये आपके लेंस से रिलेटेड है। अब देखिए, इसमें मैंने कहा है सुमति वांटेड टू सी द स्टार्स ऑफ द नाइट स्काई। सुमति जो है उसको स्टार्स देखने हैं रात में। शी नोज डैट शी नीड अ टेलीस्कोप, उसको पता है उसके लिए उसको टेलीस्कोप चाहिए टू सी दोज डिस्टेंट स्टार्स। शी फाइंड्स ऑफ डैट द टेलीस्कोप विच आर मेड ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, सही है। अब उसको ये पता है कि भाई जो टेलीस्कोप वो लेंसेज से बनाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। एंड वंस विच आर मेड ऑफ मिरर्स, और जिसको हम मिरर्स से बनाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, सही। मिरर्स क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए मिरर से जो टेलीस्कोप बनता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और लेंसेज जो होते हैं ये लाइट को क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं, इसलिए लेंसेज से जो टेलीस्कोप बनता है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। आगे देखिए, सो सी डिसाइडेड टू मेक अ रिफ्रैक्टिंग मतलब लेंसेज का यूज करके उसको टेलीस्कोप बनाना है। शी बॉट टू लेंसेज, उसके लिए उसने दो लेंसेज खरीदे L1 एंड L2, आउट ऑफ विच L1 वाज बिगर, इसमें से लेंस L1 जो है वो बिगर है और L2 जो है वो स्मॉलर है। द लार्जर लेंस गैदर्स एंड बेंड्स द लाइट वाइल द स्मॉलर लेंस मैग्नीफाइज द इमेज। अब देखिए, जो बड़ा वाला लेंस है उसका काम क्या होगा, वो लाइट को बेंड भी करेगा और गैदर भी करेगा, जबकि छोटे वाले लेंस का क्या काम होगा, वो मैग्नीफाई करेगा किसको, इमेज को। अब देखिए, बिग कॉमा थिक लेंसेज आर मोर पावरफुल, ऐसा होता है जो बिग और थिक लेंसेज होते हैं ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सो टू सी फार अवे सी नीड अ बिग पावरफुल लेंस, अब फार अवे लेंसेज स्टार्स को देखने के लिए उसको बिग और पावरफुल लेंसेज चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सी रियलाइज डैट अ बिग लेंस इज वेरी हैवी, उसने ये देखा जो बिग लेंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। हैवी लेंसेज आर हार्ड टू मेक एंड डिफिकल्ट टू होल्ड इन द राइट प्लेस, और उनको बनाना और प्लेस करना वो बहुत ही मुश्किल होता है। ऑल्सो सिंस द लाइट इज पासिंग थ्रू द लेंस द सरफेस ऑफ द लेंस हैज टू बी एक्सट्रीमली स्मूथ, सही। अब देखिए, लेंस में से क्या लाइट को पास होना है, इसलिए लेंस का स्मूथ होना बहुत ही जरूरी है। एनी फ्लॉज इन द लेंस विल चेंज द इमेज, अगर कोई भी फ्लॉ आता है किसके अंदर, लेंस के अंदर, तो उससे इमेज क्या होगी, बिगड़ जाएगी। इट वुड बी लाइक लुकिंग थ्रू अ डर्टी विंडो, सही। तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे हम गंदी विंडो के बाहर देख रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप,
देखिए इसके लिए उसको क्या चाहिए होगा बच्चों, कॉन्वेक्स लेंसेज जो है वो चाहिए होंगी, सही। इसके लिए उसको क्या चाहिए बच्चों, कॉन्वेक्स लेंसेज चाहिए होंगी, क्लियर है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंसेज क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्ज करते हैं, तो ये पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है, क्लियर है। तो ये जो लेंस है लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। देखो लाइट कन्वर्ज हो रही है ना, डायग्राम से आपको दिख रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है, इस लेंस से पास होने के बाद लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स लेंस का जो है इस्तेमाल करना है। आगे, इफ द पावर ऑफ द लेंसेज L1 एंड L2 आर इन द रेशियो 4:1, इन्होंने L1 और L2 की जो रेशियो 4:1 है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ। तो आपको बताना है फोकल लेंथ की रेशियो क्या होगी। अच्छा, पावर और फोकल लेंथ जो होते हैं वो एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेट करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, सही है। पी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/f, पी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/f। तो आपको पावर की रेशियो 4:1 दे रखी है, तो फोकल लेंथ की रेशियो क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1:4। पी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f, यहाँ पर एफ जो होता है वो फोकल लेंथ होती है लेंस की इन मीटर्स, सही। तो आपको इसको लिख कर करने की जरूरत नहीं, ओरली कर सकते हैं। पावर और फोकल लेंथ जो होती है लेंस की वो एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेट करते हैं। तो अगर आपको पावर लेंसेज की उसकी रेशो 4:1 दे रखी है, तो 1:4 क्या होगी, उसकी फोकल लेंथ की रेशो होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑब्टेंड विद अ लेंस, सही। मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, सही, ये होता है HI/H0, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/H0, ये बच्चों फॉर्मूला होता है, क्लियर है बच्चों। इसमें उन्होंने पूछा है मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय लेंस उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है HI/H0, ये आपने पढ़ा ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, सुमति डिड सम प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट विद द लेंसेज एंड फाइंड आउट द मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस L2 is 3। यहाँ पे उसने मैग्नीफिकेशन निकाला है L2 का, वो 3 है। इफ इन हर एक्सपेरिमेंट L2 सी फाउंड एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, सही। अब देखिए, अब उसके एक्सपेरिमेंट में उसने ये देखा वो जो इमेज बना रही है L2 से वो 24 सेंटीमीटर दूर बन रही है, किससे, लेंस से। एट व्हाट डिस्टेंस डिड शी पुट द ऑब्जेक्ट, तो आपको बताना है कितनी दूर उसने ऑब्जेक्ट को रखा होगा, क्लियर है। तो बच्चों ये तो प्रॉपर न्यूमेरिकल है, तो ये मैं पहले आपको करवा देता हूँ। देखिए एम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, मैग्नीफिकेशन का, सही है। एम का फॉर्मूला होता है बच्चों HI/H0, क्लियर है, HI/H0 और V/U, क्लियर है। तो एम आपको कितना दे रखा है, 3, और यहाँ पे HI कितना दे रखा, HI और H0 तो हमें दे नहीं रखा, V और U ये देख लेते हैं। इसमें से हमें V दे रखा है 24 सेंटीमीटर, सही, और U हमें फाइंड आउट करना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है U फाइंड आउट कर लोगे, क्लियर है बच्चों। ये फार्मूला यहाँ गलत लिखा हुआ है मैंने, तो M का क्या फार्मूला होता है बच्चों, HI/H0, और वो किसके बराबर होता है, V/U के। तो आपको M, V और U में से दो चीजें दे रखी, तीसरी चीज आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंसेज फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश्ड है। देखिए सुमति ने क्या किया, ज्यादा मोटे लेंसेज नहीं लेकर आई वो, सही है, टेलीस्कोप के लिए, और उनको पॉलिश कर दिया। व्हाट एडवांटेज इफ एनी वुड सी हैव विद हर चॉइसेस ऑफ लेंस। अब आपको बताना है इस ऐसा करने से उसको क्या एडवांटेज मिला,
सही है। देखिए, नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, इससे टेलीस्कोप हैवी नहीं होगा, सही। एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास, और ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो भी पास करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है? तो ये बच्चों इसके ऑप्शन होगा।